और सोमू सर का जो ये प्रयास है वो बहुत ही ठीक है सैफ ओके गॉट इट। सोमू सर का जो ये प्रयास है उसमें आप लोगों का बहुत फायदा होने वाला है कि आप लोग जिन भी टॉपिक्स पर आप लेक्चर चाहते हैं, जिन भी टॉपिक्स पर आप तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में आप सोमू सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि सवाल उठता है कि फिलॉसफी है क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्योंकि ये फिलॉसफी का कोई पहला लेक्चर नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी इज बेसिकली क्वेस्ट फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए प्यास, अ थर्स्ट फॉर नॉलेज। जितना हम ज्ञान के करीब पहुंचते हैं उतनी ही प्यास और बढ़ती है। दैट इज फिलॉसफी। लव फॉर विजडम, लव फॉर नॉलेज, फिलो एंड सोफिया। जैसे कि सभी जानते हैं ये बहुत बेसिक चीज है कि फिलो और सोफिया से मिल, दो अल्फाज से मिल करके बना है फिलॉसफी। तो जितना हम इल्म को, ज्ञान को, नॉलेज को जानने की कोशिश करते हैं उतना ही वो हमसे और दूर होता चला जाता है। इसीलिए फिलॉसफी को कहा जाता है थर्स्ट फॉर नॉलेज, क्वेस्ट फॉर नॉलेज, जो कि कभी प्यास पूरी नहीं होती है। अब बात आती है कि फिलॉसफर, कई बार ये सवाल उठता है, चूंकि ये क्लास नहीं, ऑनलाइन क्लास है, कई बार ये सवाल उठता है कि क्या फिलॉसफी और रिलीजन दोनों अलग हैं या दोनों एक हैं। इस्लामिक फिलॉसफी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार करना जरूरी होता है कि हम जाने कि जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं और रिलीजन, दोनों कहीं टकरा जाते हैं, क्योंकि रिलीजन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड फिलॉसफी इज थर्स्ट फॉर नॉलेज। वहां पर कोई एक सेट नहीं है, एक सेट कुछ बंधा हुआ नहीं है। वहां पर जानने की कोशिश है, जानने की ख्वाहिश है और आगे जानने की लालसा है, लेकिन रिलीजन जो है सेट ऑफ रूल्स है, बाइंड करता है जो लोगों को, एक ग्रुप में बाइंड करता है, दैट इज रिलीजन। तो बहुत जरूरी है ये जानना, ये पहले ये दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी होता है कि जो भी फिलॉसफी हम पढ़ें, जिस भी चीज की हम फिलॉसफी पढ़ें, जिस भी रिलीजन की फिलॉसफी पढ़ें, तो आप ये मान करके चलिए कि दैट इज अ सेट ऑफ रूल्स मेड इन दैट पर्टिकुलर रिलीजन। ये कहना कि एक रिलीजन में ऐसा होता है तो सब में वैसा होगा, यही या वही यूनिवर्सल फैक्ट है, ये फिलॉसफी यहां पर अपनी राह अलग बनाती है। मुख्तलिफ रिलीजन है, मुख्तलिफ यानी कि डिफरेंट मजाहिब है, धर्म है, रिलीजन है, उसी तरीके से मुख्तलिफ डिफरेंट अपने अपने नजरियात हैं। फिलॉसफी नजरिया है, सोच है, दृष्टि है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम्, जिस नजर से देखा जाए वो दर्शन है। आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग गुड इवनिंग के और चक्कर में ना पड़े, गुड इवनिंग नमस्ते के चक्कर में ना पड़े, आप अपनी जो सवाल हो वो लिखेंगे तो बेहतर होगा। गुड इवनिंग हो गई एक बार, ठीक है ना, तो अब आप गुड इवनिंग के चक्कर में ना पड़े। गुड इवनिंग सबकी हो गई है, आप नहीं भी लिखेंगे तो मैं गुड इवनिंग मान लूंगी, ठीक है। तो गुड इवनिंग, नमस्ते, इन सबके चक्करों में ना पड़े। तो रिलीजन क्या है? रिलीजन इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। अगर हम लैटिन भाषा के, इंग्लिश में देखेंगे तो लैटिन भाषा के रिलीगियर से बना है, जिसका अर्थ है, जिसके मीनिंग होते हैं टू बाइंड। और हिंदी में धर्म का मतलब होता है धारित इति धर्मा, जो धारण किया जाए वो धर्म है।
धारयति इति धर्मः, यानी कि जो आपने प्रिंसिपल्स, जो आपने रूल्स, जो आपने वे ऑफ लाइफ धारण की हुई है वही धर्म है। और लैटिन में इसको हम कहते हैं रिलीजन, उर्दू में कहते हैं हम, इस्लाम में उर्दू में हम इसको कहते हैं मजहब। मजहब यानी कि वे ऑफ लाइफ, रूट, रास्ता, राह, मार्ग। तो ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि रूट है, रास्ते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। और रिलीजन की खासियत है कि ये एक सेट ऑफ रूल्स से बंधा हुआ होता है, जबकि फिलॉसफी किसी सेट ऑफ रूल्स से बंधी हुई नहीं होती। रिलीजन सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो आज जिस हम दर्शन को पढ़ेंगे, दर्शन को समझेंगे, वो है इस्लाम दर्शन। वो है इस्लाम दर्शन कि इस्लाम दर्शन कैसे शुरू हुआ, उसके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इन बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपके जो भी सवाल हैं वो आप अपने सवाल चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। सबसे अहम बात है, सबसे जरूरी बात यह है कि रिलीजन फेथ से चलता है, लेकिन ब्लाइंड फेथ से नहीं चलता। रिलीजन फेथ के ऊपर आधारित है, लेकिन ब्लाइंड फेथ जहां होता है वहां रीजन खत्म हो जाता है। रीजन यानी तर्क, यानी कि मंतिक खत्म हो जाता है। कई बार ये बहस होती है, कई बार ये चर्चा होती है कि रिलीजन में रीजन का कोई काम नहीं है, यानी कि सवाल पूछना रिलीजन इजाजत नहीं देता। नहीं, ऐसा नहीं। सेट ऑफ रूल्स हैं, लेकिन उनके ऊपर हम सवाल कर सकते हैं। बहुत समय पहले ये जो थे मार्टिन लूथर, उन्होंने ये बात कही थी कि जब जहां पर तर्क की गुंजाइश नहीं होती है वो ब्लाइंड फेथ बन जाता है, जहां पर तर्क की गुंजाइश नहीं रहती है, मंतिक की गुंजाइश नहीं रहती है, वो वहां जाकर के क्या हो जाता है, ब्लाइंड फेथ बन जाता है। और ब्लाइंड फेथ इज वेरी 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 डेंजरस। ब्लाइंड फेथ इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि ब्लाइंड फेथ ही क्या हो जाता है, फिर बुराइयों का शुरुआत हो जाती है। तो कैसे इस्लाम कैसे शुरू हुआ, कैसे हम उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, इनके ऊपर अब हम लोग चर्चा करेंगे। इस्लाम, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अरबी के लफ्ज अस्सलाम से निकला हुआ है, अस्सलाम, जिसके मतलब है, जिसकी मीनिंग है पीस, यानी कि शांति, यानी कि अमन और सबमिशन। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, इस्लाम के फॉलोअर्स मुस्लिम कहलाते हैं, आपने मुस्लिम को अक्सर कहते हुए ग्रीक का, जैसे हम नमस्ते करते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, उसी तरीके से इस्लाम में ग्रीट करने का तरीका है अस्सलाम वालेकुम, यानी कि पीस बी विद यू, यानी कि पीस बी विद यू, अस्सलाम। अरबिक वर्ड अस्सलाम से निकला, और चूंकि ये अरब से आया और इसके जो फॉलोअर्स थे वो मुस्लिम कहलाए, यानी कि मुसलमान कहलाए। एक चीज यहां पर और क्लियर कर देना जरूरी है कि इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है, साथ ही साथ इसको हम रिलीजियस फिलॉसफी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस्लाम के जो फाइव प्रिंसिपल्स हैं,
जो भी इस्लाम का फॉलोअर होगा उसको उन पांच प्रिंसिपल्स को मानना जरूरी है। वो कौन से हैं आगे चर्चा करेंगे। इसलिए इस फिलॉसफी को, इसलिए इस दर्शन को हम रिलीजियस फिलॉसफी भी कहते हैं। आप दूसरे दर्शन में देखेंगे, बौद्ध में देखेंगे, जैन में देखेंगे, दे डोंट बिलीव इन एनी वन गॉड, दे डोंट बिलीव इन गॉड। लेकिन इस्लाम में पांच उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर ये आधारित है, इसलिए हम इसको रिलीजियस फिलॉसफी भी कहते हैं। सिक्स, इसका जो समय है 621 AD, ये जब शुरू हुआ 610 AD, 610 AD में जो एक गैब्रियल एंजल थे, उन्होंने जो इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं उनको भविष्यवाणी करी और कहा कि गॉड ने, अल्लाह ने, इस्लाम में गॉड को अल्लाह कहा जाता है, अल्लाह ही इज ऑल्सो अरबिक वर्ड, अरबिक में अल्लाह कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो गॉड है, मैं गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जो भी इस्तेमाल करूं आप एक ही समझिएगा, एक ही है, उसको अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन गॉड, अल्लाह, ईश्वर एक ही बात है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, आप चाहे अल्लाह कहिए, चाहे गॉड कहिए, चाहे ईश्वर कहिए, बात एक ही है। तो जो गैब्रियल मैसेंजर थे, सॉरी गैब्रियल एंजल थे, उन्होंने मोहम्मद साहब को भविष्यवाणी करी कि गॉड ने तुमको एज अ मैसेंजर चुना है, और उन्होंने जो भी बातें, गैब्रियल ने जो भी बातें उनके थ्रू जो रिवील्ड हुई, वो सारी चीजें, वो सारी बातें कुरान में लिखी गई हैं, जो कि उनकी होली बुक है, इस्लाम की होली बुक कुरान है, जिसको कुरान शरीफ कहते हैं। तो जो बातें मोहम्मद साहब को, प्रॉफिट को रिवील्ड हुई थी, वो सभी बातें किसमें लिखी गई हैं, कुरान शरीफ में लिखी गई। एक बहुत बड़ा इतिहास है अपना कि कैसे उनको हुआ। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं, अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद के बचपन से शुरू करें, तो उनका जो बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद का, वो अरब में कहीं 571 एडी के आसपास उनका माना जाता है, 571 AD। जब मोहम्मद साहब 25 साल के थे, 25 इयर्स के थे, तो उस समय की जो बिजनेस वुमेन थी, बेगम खतीजा, उनके साथ उनकी शादी हुई। बहुत दौलतमंद बेगम खतीजा थी, वो चाहते तो वो दौलत के साथ रह लेते, लेकिन चूंकि प्रॉफिट मोहम्मद अपने आप में एक बहुत ही ऑनेस्ट राइटियस मैन थे, और उस समय जो अरब के हालात थे, अरब के हालात उस समय ऐसे थे कि वहां पर चारों तरफ जहालत थी, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो वो सारी चीजें उनको चुभती थी। सारी चीज चुभती थी, और उन्होंने उस अपना ध्यान किया, एक गुफा में जाकर के वो बैठे, वहां पर एंजल गैब्रियल आया, उन्होंने वहां पर आकर के उनको कहा कि गॉड ने तुमको मैसेंजर चुना है, और अब तुम यू शो द राइट पाथ टू द ह्यूमन काइंड। और पहले और भी है उसमें कि पहले मक्का से मदीना गए, वहां पर उनको, वहां पर जो उस समय का राजा था उसने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर उन्होंने गए, उन्होंने अपनी एक छोटी सी लोगों को तैयार किया, इसके बाद इस्लाम को उन्होंने फैलाया। ठीक, तो इस तरीके से जब गैब्रियल ने 40 इयर्स में, जब वो 40 साल के थे, 40 साल के थे उस समय उनको वो बातें रिवील्ड हुई,
और उसमें कहा गया अनाउंस इन द नेम ऑफ thy लॉर्ड, अनाउंस इन द नेम ऑफ thy लॉर्ड दैट ही हैथ क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट। यानी कि गॉड ने तुम्हें चुना है और उसने इंसान को खून के लोथड़े से बनाया है। ये वर्ड लिखा गया है, खून के लोथड़े से बनाया है, यानी कि ब्लड के क्लॉट से बनाया है, कतरे से बनाया है। अनाउंस यानी कि बोलो, thy Lord is most generous who hath afforded knowledge through the pen, afforded man the knowledge of what you knew not। यानी कि इंसान के अंदर वो सलाहियत दी है, वो पावर दिया है, वो एबिलिटी दी है। सलाहियत मीन्स एबिलिटी, वो एबिलिटी दी है कि वो जान सकता है जो वो नहीं जानता। यानी कि नई चीजों को खोजने की बात की गई। इस तरीके से उनको जो रिवील्ड हुआ, उसके बाद उन्होंने जो जो बातें उनको रिवील्ड हुई, वो सारी बातें उन्होंने लिखी और वो कुरान के रूप में आज मौजूद है। इसके बारे में भी मुख्तलिफ राय है, बहुत अलग अलग राय है कि कुछ का मानना है कि पहले भी और भी कई मुकदस किताबें थी, यानी कि होली बुक्स थी, जैसे कि जिसको कहते हैं कि दूसरी टेक्स्ट भी थी, लेकिन कुरान सबसे बाद में जो लेटेस्ट है वो है कुरान। दूसरे उसमें नोहा है, बाइबल है, वो कहीं ना कहीं उन्हीं की जो आप देखेंगे, अगर आप तीनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें कॉमन सी दिखाई देती हैं, कॉमन है। लेकिन बाद में जो माना जाता है कि जो फाइनल स्क्रिप्चर जो था वो हुआ कुरान। अगर आप शुरुआत के पहले वाली देखेंगे तो उसमें तोरा है और इसका डेविड का इंजिल है, गॉस्पेल्स, इस तरीके से बहुत सारी हैं, लेकिन फाइनल जो स्क्रिप्चर निकल करके आता है वो है कुरान, और वो मोहम्मद साहब को रिवील्ड हुई थी। इसलिए मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहब लास्ट मैसेंजर माने जाते हैं इस्लाम में, लास्ट मैसेंजर माने जाते हैं, और उन्हीं के नाम, उन्हीं से कुरान। तो ये जिसको कहते हैं कि लिटरली मीन्स कुरान, मीन्स कुरान का मतलब होता है रिसाइटेशन। लिटरल वर्ड जो मतलब है कुरान का वो है रिसाइटेशन। और जो मुस्लिम्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि कुरान जो है वो वर्बली रिवील्ड हुई थी। ऑब्वियस ये बातें लिखे हुए, पेन से लिखे हुए तो पेपर ऊपर से गिरेंगे नहीं, तो वर्बली रिवील्ड हुई है। इसलिए इस ये किताब जो है मुस्लिम्स इस्लाम मजहब में मुकद्दस किताब, यानी कि पवित्र किताब, यानी कि होली बुक मानी जाती है। अब जो फेथ है इस्लाम के, कि पहले हम ये जाने कि इस्लाम के फेथ क्या है, कौन कौन से हैं इस्लाम के फेथ जो कि हर मुसलमान को, हर मुस्लिम को मानना जरूरी है। पहला फेथ है कि बिलीव इन गॉड, बिलीव इन अल्लाह। आपने शुरू सुना होगा, पढ़ा होगा कि मोनोथिस्ट यानी कि एक ईश्वर को मानने वाले, एक गॉड को मानने वाला। तो इस्लाम एक गॉड को मानने वाला है, लाइक बाइबल, लाइक क्रिश्चियन मोनोथिस्ट है। मैं आपके सवाल का जवाब मोहम्मद साहब द्वारा सुनी गई, रिवील्ड हुई है, लिखी नहीं गई, रिवील्ड हुई है, ठीक है, वर्बली, जिसको कहते हैं वर्बली रिवील्ड है संजय सिंह, ठीक। कुरान में जो लोग मुसलमान हैं, जो लोग इस्लाम को मानते हैं, उनके लिए पांच प्रिंसिपल्स हैं जो कि मानना जरूरी है। पहला है कलमा, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल उल्लाह।
यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि देर इज ओनली वन गॉड, नो अदर। तौहीद का मतलब होता है सिंगल, एक, देर इज ओनली वन गॉड। और जो भी मुसलमान है, जो भी इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, उनको ये कलमा पढ़ना जरूरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरी चीज है नमाज। आपने सुना होगा, देखा होगा, जो मुस्लिम है वो करते ही हैं, जो यहां पर बच्चे दूसरे हैं, नमाज, पांच वक्त की नमाज हर मुसलमान को पढ़ना जरूरी है। तीसरा है ज़कात, यानी कि दान देना। चौथा है रोजा। आपने रमजान का महीना सुना होगा कि रमजान के महीना पूरा एक महीने का होता है, और उसमें हर मुस्लिम जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो रोजा रखते हैं, सुबह से शाम तक उनकी फास्टिंग चलती है, और सुबह से शुरू होता है और शाम को खत्म होता है, और उसका टाइम एक तय होता है। यानी कि हर मुसलमान को रोजा करना जरूरी है, ज़कात यानी कि दान देना जरूरी है, और पांचवा है हज करना। यह हज यानी कि तीर्थ यात्रा करना, और हज है मक्का मदीना, आपने सुना होगा अरब में मक्का मदीना है, वहां पर जाकर के उनको हज करना हर मुसलमान के लिए एक फर्ज है। ये पांच चीजें जो आपको मैंने बताई हैं, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये पांच फराइज हैं, पांच ड्यूटीज हैं हर मुसलमान की, जो कि हर मुसलमान को करना जरूरी है, लाजमी है, कंपलसरी है। जो मैंने पहले शुरुआत में आपसे जो बात कही थी कि इस्लाम एक रिलीजियस फिलॉसफी है, बिकॉज ऑफ दीज फाइव प्रिंसिपल्स, बिकॉज इस्लाम इज बेस्ड ऑन द फाइव प्रिंसिपल्स, एंड द पर्सन हु डज नॉट फॉलो दीज प्रिंसिपल कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ मुस्लिम। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ रिलीजियस फिलॉसफी। ठीक, पांच चीजें जरूरी है कि ये पांच चीजें करना जरूरी है जो भी इस्लाम का फॉलोअर होगा उनके लिए, ये कुरान में लिखी गई। तीसरी, अब फाइव हमने आपको फेथ, फाइव फर्ज बताए, फाइव उनकी ड्यूटीज बताई हैं इस्लाम की। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से फेथ है जो कि इस्लाम में फॉलो किए जाते हैं। पहला एज इट इज कि बिलीव इन अल्लाह, बिलीव इन गॉड, ओनली वन गॉड, देर इज नो अदर देन गॉड। उसी ने इस पूरी दुनिया को बनाया है और वही इस दुनिया को खत्म करेगा। नवनीत गौरव, आपका क्या सवाल है? मुझे नहीं समझ में आया, आप दोबारा टाइप करके भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूं, फिर बाद में आप लोगों के सवाल लूंगी। दूसरा है बिलीफ इन एंजल्स। अब साथ साथ आप दोनों चीजों को साथ साथ हम कुछ चीजों को कंपेयर करते हुए चलेंगे कि किस तरीके से चीजें हैं और किस तरीके से चीजें दूसरे उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। एंजल्स में बिलीव है कि उन्होंने कहा है कि जो कुरान है, जो उन्होंने कुरान में अलग अलग जो ड्यूटीज एंजल्स की ड्यूटीज हैं वो तय की गई हैं। आपने जो सुना होगा कि ये मृत्यु का देवता है, ये वर्षा का देवता है, आप सुनते हैं, उसी तरीके से इस्लाम में बिलीफ इन एंजल्स के ऊपर है, और फोर आर्क एंजल्स कहे जाते हैं, चार आर्क एंजल्स कहे जाते हैं, वो देवता ना कह के वहां पर एंजल कहा गया है। चार मेन एंजल्स हैं। पहला है एंजल ऑफ रिवेलेशन, जिसको कि गिब्राइल कहते हैं, जिब्रील कहते हैं। दूसरा है एंजल हु गिव सस्टेनेंस, यानी कि माइकल, कहीं पे मिकाल, कहीं पर माइकल कहा जाता है उसको। तीसरा है द एंजल हु विल साउंड द ट्रम्प
ऑन दी लास्ट डे, यानी कि जो कयामत का दिन होगा, जो अंतिम दिन होगा इस दुनिया का, उस दिन जो बिगुल बजाएगा, जो ट्रम्प बजाएगा, उसको कहा जाता है इज़राइल या अज़राइल। और चौथे हैं जो कि गार्जियन ऑफ सब्सटेंस द एंजल ऑफ डेथ, जिसको कि आपने दूसरे मजहब में आपने सुना होगा, दूसरे धर्मों में आपने सुना होगा, मृत्यु का देवता। इसी तरीके से वहां पर देवता वर्ड ना इस्तेमाल करके एंजल वर्ड इस्तेमाल किया गया है, एंजल ऑफ डेथ। इस तरीके से मैसेंजर ओनली वन, दैट इज द प्रॉफिट मोहम्मद साहब। लेकिन जो चार एंजल्स हैं जिनको कहते हैं एंजल ऑफ आर्क, आर्क एंजल्स उनको कहा जाता है। और आप ये कॉन्सेप्ट आप बाइबल में भी देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको बाइबल में भी दिखाई देगा। इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में है फॉर आर्क एंजल का। और ऐसा बिलीव है, ये इस्लामिक ट्रेडिशन है कि माना जाता है कि जो इंसान है वो कुछ गार्जियन एंजल से प्रोटेक्टेड है, जो कि 10 दिन में प्रोटेक्ट करते हैं, 10 रात में करते हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के 400 एंजल्स हैं जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक इंसान को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दे प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द इविल्स। देर आर 400 एंजल्स। फेथ है बिलीफ इन प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब है, जो कलमा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि देयर इज ओनली वन गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि जो मोहम्मद साहब है वो ईश्वर के, यानी कि गॉड के, यानी कि अल्लाह के रसूल है, इसलिए उनको मानना सबके लिए जरूरी है। चौथा फेथ है बिलीव इन स्क्रिप्चर, यानी कि कुरान। स्क्रिप्चर कौन से है? कुरान। आपको पहले भी मैंने बताया कि इससे पहले भी ऐसा नहीं था कि कुरान इज द ओनली स्क्रिप्चर। इससे पहले जो थे बहुत सारे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं, इसके लिए भी थ्योरीज है। देखिए, रिलीजन में सिर्फ थ्योरीज होती है, क्या सच है क्या गलत है नो वन नोज। I have not met, you have not met. So only the theories are there existing and we are believing in that only. That is the philosophy. कुछ का मानना है कि जो पुरानी किताबें थी, जो पुरानी मुकद्दस किताबें थी, यानी कि होली बुक्स थी, उनको रिमूव कर दिया गया। और कुछ का मानना है कि वो अपने आप जो आसमानी किताब थी वो आसमान में चली गई। कितना सच है कितना उसमें, मैं उसमें नहीं जाइए, आप जो फैक्ट्स हैं उनको जानिए। तो कुरान इज द एपिटोम ऑफ ऑल द बुक्स, ऑल ट्रूथ्स, एपिटोम ऑफ ऑल द ट्रूथ्स एंड मॉरल्स। इसीलिए कोई भी चीज, कोई भी जो होली बुक है, उसके ऊपर राह पे चलना वो हर इस्लाम के अनुयायु के लिए जरूरी है। नेक्स्ट फेथ है द डे ऑफ रिसरक्शन, यानी कि कयामत का दिन। इस्लाम का मानना है, इस्लाम में ऐसा बिलीफ है कि जो कयामत का दिन होगा, एक दिन ऐसा आएगा जो कयामत का दिन होगा, और उस दिन सारी जो जितने भी लोग मरे हैं वो सारे जिंदा होंगे, और इसके बाद उनके गुनाहों का और उनकी अच्छाई बुराई का फैसला किया जाएगा। रिसरेक्शन एंड द लास्ट डे, उसको कयामत का दिन कहते हैं। वो प्रिंसिपल जजमेंट का डे होगा, और उस दिन जो अच्छे काम होंगे, जो जिन्होंने अच्छा काम किया होगा वो पैराडाइज में जाएंगे, जिन्होंने बुरे काम किए होंगे वो हेल में जाएंगे। एक चीज और जो कि बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, लिम्बो। आपने एक कहानी सुनी होगी त्रिशंकु, कि वो त्रिशंकु की तरह बीच में लटक गया। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है कि कुछ लोग लिम्बो में रहेंगे। लिम्बो यानी कि
प्लेस बिटवीन, लिम्बो इज अ वेल बिटवीन हेवन एंड हेल, बिटवीन हेवन एंड हेल। आपने दूसरे धर्मों में भी सुना होगा कि वो त्रिशंकु की तरह लटकता रहा, तो लिम्बो इज त्रिशंकु, लिम्बो इज इन बिटवीन, कि ना वो स्वर्ग में जाएंगे, ना वो नरक में जाएंगे, ना वो पैराडाइज में जाएंगे, ना वो हेल में जाएंगे, ना दोजक में जाएंगे, ना जन्नत में जाएंगे। यस, दोजक इज हेल एंड जन्नत इज पैराडाइज, ठीक है। तो वो क्या है, जो हेवन होगा वहां पर सारी एंजॉयमेंट्स होंगे, और हेल में उनके अपने जो उनके सिंस हैं, जो उनके अपने कर्म हैं, जिसको कि हम कर्म कहते हैं, उनके डीड्स हैं, उनके मुताबिक सजा और इनाम दिया जाएगा। न्याय दर्शन भी यही बात कहता है। न्याय दर्शन को अगर आपने पढ़ा है तो न्याय दर्शन में भी यही कहता है, इस दुनिया की को बनाया है ईश्वर ने, और इस दुनिया को बिगाड़ने वाला भी ईश्वर है, और इसी इंसान के कर्मों के मुताबिक उसका क्या किया जाएगा, उसको इनाम और सजा मिली जाएगी। न्याय दर्शन में महर्षि गौतम का भी यही है कि इस दुनिया को बनाने वाला ईश्वर है, इस दुनिया को बिगाड़ने वाला भी ईश्वर है, उसने अपने हिसाब से बनाया है, और समय आने पर वही इस दुनिया को क्या कर देगा, नष्ट भी कर देगा, विल डिस्ट्रॉय दिस प्लैनेट एज पर हिज डिजायर। एंड द पीपल विल बी रिवॉर्डेड एंड द विल बी पनिश्ड एज पर देयर डीड्स, एज पर देयर कर्माज, एज पर देयर एक्शंस। उसी तरीके से इस्लाम में भी कहा गया है कि कयामत का दिन तय है, ये वहां पे कह दिया गया है कि तय है। अब कौन सा दिन तय है ये नहीं पता, कयामत का दिन नहीं पता, लेकिन कयामत का दिन ये माना जाता है कि कयामत का दिन तय है, और इंसान को उस दिन अपने कर्मों के मुताबिक सजा मिलेगी और इनाम मिलेगा। संजय सिंह, इस्लाम बहुदेववादी, आप वहां पर चूंकि सुप्रीम वन गॉड जो कि हु इज उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, उसको माना जाता है, लेकिन वहां पर आर्क एंजल्स कहा गया है, नाम अलग अलग होते हैं। देखिए वही बात है कि सारे रिलीजन को अगर आप जब पढ़ेंगे, सारे रिलीजन को आप पढ़ेंगे तो एक ही बात है, लेकिन कहने के तरीके अलग अलग हैं, दैट्स इट, ठीक है। वहां पर चार एंजल्स कहे गए हैं, फोर आर्क एंजल्स हैं, और इस तरीके से आपने यहां यहां अलग 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 अलग, उसको देवता कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, नाम देते रहिए, कुछ भी देती जाइए, किसी ने नहीं देखा, ना हमने देखा ना आपने देखा, ठीक। तो इसमें इस बहसबाजी में नहीं पड़ेंगे कि कौन सा देवता क्या है, ये ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूं, बस काम करते रहिए, सब कुछ मिलता चला जाएगा। कयामत को न्याय दर्शन कहा जा सकता है? नो, नॉट एट ऑल संजय सिंह, कयामत को न्याय दर्शन नहीं कहा जाएगा। न्याय दर्शन कोई कयामत तोड़ना है, न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने यह कहा है कि जब हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, अभी हम बेसिक प्रिंसिपल्स बताने के बाद हम बात करेंगे किसी भी फिलॉसफी की, जब तक हम एपिस्टेमोलॉजी नहीं जानते, ऑन्टोलॉजी नहीं जानते, एक्सियोलॉजी नहीं जानते, उस फिलॉसफी को समझ पाना मुश्किल होता है। तो अभी आप इन जनरल समझिए, बाद में हम उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज भी हम ब्रीफ करेंगे, अभी इन जनरल बात कर रहे हैं, बाद में कैटेगरी वाइज इन ब्रीफ करेंगे। तो कयामत को न्याय दर्शन नहीं कहा जाता, न्याय दर्शन की थ्योरी और इस्लाम में जो रिसरेक्शन ऑफ द डे की थ्योरी है, दोनों मिलती जुलती हैं। कहने का तात्पर्य ये है, दिस इज द मीनिंग, कि दोनों की थ्योरी मिलती जुलती है। न्याय फलसफा यानी कि न्याय दर्शन की, न्याय फिलॉसफी की थ्योरी जो है कि द पीपल विल बी पनिश्ड और विल बी ऑनर्ड एज पर देयर डीड्स, ठीक है। तीसरी बात है, अगली जो बात है, बिलीव इन द डिवाइन डिक्री अल कदर, इसको कहा जाता है अल कदर, यानी कि गॉड जो है वो सुप्रीम है, वो सुप्रीम है, और वही
लोगों के एक्शंस क्या क्या करेगा, उनका इनाम और सजा देगा. ही विल डिसाइड. वही है जो कि इंसान के एक्शंस को, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, गॉड है, अल्लाह है, ईश्वर है जो कि इंसान के एक्शंस को क्या करता है, गवर्न करता है. इसका मतलब क्या हुआ? देन वाई शुड बी पनिश्ड? हमें क्यों सजा मिलनी चाहिए? जब हमारे हर एक्शन को गॉड गवर्न कर रहा है, तो जो हम गलतियां कर रहे हैं वो भी तो गॉड ही हमसे करा रहे हैं ना, तो फिर हमें सजा किस बात की मिलेगी? एनीवे, ये फिलॉसफी क्वेश्चन उठाती है, रिलीजन सवाल नहीं उठाता है. याद रखिएगा, क्वेश्चन उठाने का काम होता है फिलॉसफी का. ठीक, जब हमारे सारे एक्शंस बिलीव इन द डिवाइन डिक्री, वो सब कुछ हमसे वो करा रहा है, तो मेरे खराब एक्शन की जिम्मेदारी कैसे मेरी हो सकती है? नहीं हो सकती. ये हम आप क्वेश्चन मार्क लगाए यहां पर, ध्यान रखिएगा. ठीक है ना? चलिए, हम लोग ने बात कर ली 5 प्रिंसिपल्स की. 5 प्रिंसिपल्स, 5 बेसिक प्रिंसिपल्स यानी कि ड्यूटीज क्या क्या हैं, फिर से एक बार रिमाइंड करा रही हूं. कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज. और फेथ्स क्या है? कि बिलीव इन डिवाइन डिक्री, रिसरेक्शन इज द लास्ट डे, एंड बिलीव इन स्क्रिप्चर यानी कि कुरान में, बिलीव इन प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर बिलीव करना, प्रॉफिट कौन है? मोहम्मद साहब है. एंड बिलीव इन एंजल, 4 आर्कएंजल पे बिलीव है इस्लाम का. एंड बिलीव इन गॉड, गॉड मीन्स अल्लाह. ठीक, अब कॉन्सेप्ट ऑफ सोल जो कि फिलॉसफी का मेन जिसको कहते हैं, अब हम लोग बात करते हैं फिलॉसफी को 3 एंगल से. किसी भी फिलॉसफी को, किसी भी दर्शन को जानने के लिए जरूरी होता है कि हम उसके बेसिक फिलॉसफी के जो 3 ब्रांचेस हैं, ऑन्टोलॉजी यानी कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, इन तीनों से हम जाने. अगर हम इस्लाम की, इस्लामिक फलसफे की मेटाफिजिक्स की बात करें, तो इस्लाम का मेटाफिजिक्स कहता है देयर इज ओनली 1 गॉड, यानी कि टोटल सबमिशन टू द गॉड, ईश्वर के प्रति समर्पण, गॉड के प्रति समर्पण, अल्लाह के लिए समर्पण, सबमिशन टू अल्लाह. ठीक है, सबमिशन टू अल्लाह, दैट इज द एंटोलॉजी. और इस्लाम चूंकि एक गॉड में बिलीव करता है, और आपको पहले ही बता दिया गया, पहले ही बता चुकी हूं कि जो कलमा है वो मुख्य बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि देयर इज ओनली 1 गॉड. अरबिक है, दिस इज अ अरबिक सेंटेंस, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि देयर इज ओनली 1 गॉड. इस्लामिक फलसफा मानता है कि ईश्वर ने, अल्लाह ने इंसान को अपनी मर्जी से पैदा किया है. ही इज बॉर्न एज पर द विल ऑफ द गॉड. और इंसान के पास बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, एंड विल पावर है, जो कि उसको बाकी लोगों से, बाकी जो जानदार चीजें हैं, बाकी जो लाइफ थिंग्स हैं, उनसे अलग करती है. इसलिए चूंकि इंसान के पास इंटेलेक्ट है, उसके पास बुद्धि है, इसलिए उसको कुरान के बताए हुए रास्ते पर यानी कि पैगंबर के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए. इस्लाम की अगर मेटाफिजिक्स की बात करें, तो इस्लाम चूंकि पुनर्जन्म में, रीबर्थ में यकीन नहीं करता. सोल के बारे में कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी तमाम सोल्स हैं, वो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जितनी भी तमाम जो 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 इतनी सारी जो सोल्स हैं, जो लोग मर गए हैं,
वो सारे क्या है, अभी उनकी सोल्स, अभी उनका जजमेंट नहीं हुआ। और कयामत के दिन, रिसरेक्शन डे के दिन वो क्या होंगे, वो फिर से जिंदा होंगे, फिर से जिंदा होंगे, और उनके तब उनके हिसाब से उनका फैसला किया जाएगा। जैसा कि बाकी दूसरे धर्मों में ये मान्यता है कि सोल एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, ऐसा इस्लाम में मान्यता नहीं है। ठीक है, सोल वो व्यक्ति खत्म हो गया, उसकी बॉडी यहीं पर है। बॉडी, सवाल यहां पर ये उठता है कि अगर बॉडी ने, बॉडी और सोल का साथ छूट गया है, बॉडी और सोल का साथ छूट गया है, तो सोल कहां है? तो कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का जवाब है कि जो सोल है वो अभी रेस्टिंग पोजीशन पर है, रेस्टिंग पोजीशन पर है, और इसीलिए कुछ सोल्स जो होती हैं वो इधर उधर क्या हो जाती है। कभी कभी आप देखते हैं कि किसी से आप बात कर रहे हैं, किसी को आप देख रहे हैं, तो ये इसीलिए है कि हम उन सोल्स को, अभी वो क्या है, रेस्टिंग पोजीशन पर है, ये मानना है। इस्लाम में मानना है कि चूंकि ईश्वर ने, गॉड ने पहले जिस्म बनाया और इसके बाद उसमें एक रूह का, रूह आत्मा को या सोल को रूह कहा जाता है, रूह को बाद में फूका, तो इसलिए शरीर यही रह जाता है और रूह क्या है, अभी इधर उधर है, लेकिन अभी उसका जजमेंट नहीं हुआ। बिलीव्स है, ठीक। इसलिए जो इस्लाम है ना वो रीबर्थ में यकीन करता है, और उस फाइनल दिन के इंतजार में सारी रूहें, यानी कि सारी आत्माएं, यानी कि सारी सोल्स वेट कर रही हैं, और उस दिन उनका फाइनल जजमेंट होगा। ठीक, अब बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की, कि इस्लाम फलसफे के, इस्लाम दर्शन के अनुसार, इस्लाम दर्शन के मुताबिक एपिस्टेमोलॉजी क्या है, यानी कि ज्ञान मीमांसा, यानी कि नजरिया मालूमात। कुरान की पहली आयत है, आयत नंबर 1 में कहा गया है, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, पढ़ो उस रब के नाम से, रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड जिसने तुम्हें पैदा किया। तो क्या इससे क्या जाहिर होता है, इस आयत से क्या जाहिर होता है, क्या निकल करके आता है कि इस्लाम में, इस्लामिक फलसफे में पढ़ने के ऊपर जोर दिया गया है। पढ़ना यानी कि नॉलेज गेन करने के ऊपर जोर दिया गया है। दूसरी बात कही गई है, दूसरी आयत जो है, आयत नंबर 3 जो है, कुरान जो है मल्टीपल आयत्स में डिवाइडेड है और मल्टीपल सूराज में डिवाइडेड है। संजय सिंह, जिस रूह को जन्नत मिल जाएगी मैम, उसका मतलब लिबरेशन या मोक्ष मिल जाएगा? नो 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 नो, लिबरेशन, जन्नत क्या होगा वो बात की बात है। लिबरेशन मीन्स, देखिए लिबरेशन का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि मर जाना, लिबरेशन अब अलग अलग, सबका अलग अलग मानना है, लिबरेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। आयत नंबर 3 कहती है, पढ़ो जिसने तुम्हें इल्म, कलम के जरिए इल्म सिखाया, कलम के जरिए इल्म सिखाया, तो यानी कि नॉलेज हासिल करना है, ज्ञान हासिल करना है। अब कैसे हासिल करना है, अभी आगे बात करते हैं। कुरान की अगर हम आयतों को, हम मुख्तलिफ आयतें जो है, जो लिखी गई हैं, जिस तरीके से चौपाइयां हैं, दोहे हैं, उसी तरीके से आयत हैं जिनको में कहा गया है, अलग अलग बात कही गई है। 3 आयतें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एपिस्टेमोलॉजी के लिहाज से। पहली आयत है कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया,
दूसरा पढ़ो और तुम्हारा रब सब पे कर्म करने वाला है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। और तीसरी आयत है जो जो इंसान है वो प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, यानी कि मेरे नॉलेज में यू इंक्रीज माई नॉलेज। तीसरी जो आयत कहती है आयत नंबर 114, आप नोट कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सप्लोर दीज आयत्स। अब क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर ये होता है कि कुरान में पांच चीजों के ऊपर जोर दिया गया है। जब हम बात करते हैं, देखिएगा अभी हमने शुरुआत में जो हमने बात कही थी, देखिए एक फेथ में और एक सही तरीके से फेथ करना, दोनों में फर्क होता है। जो हमने बात कही कि जिस तरीके से कहा गया है कि नॉलेज की बात कही गई है, एक वर्ड होता है समझो, जो हमारे वेदों में जो कहा गया है श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन और निधिध्यासन, उसी को कुरान में कहा गया है विचार करना, यानी कि यकुलन, यानी कि यफकुन, यानी कि यत्त फकरुन, यंजुरन और यत्बुरुन, यानी कि श्रवण मनन और निधिध्यासन। ये जो पांच बातें कही गई है, पांच चीजें इसमें कही गई हैं, इस बात से क्लियर होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रैशनल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, रैशनल थिंकिंग, नॉट द ब्लाइंड फेथ। कुरान में आए हुए ये पांच वर्ड्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वहां पर रैशनल थिंकिंग की बात कही गई है, ब्लाइंड फेथ की बात नहीं कही गई। ठीक, जब तक हम चीजों को देखेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम अपना इंटेलेक्ट नहीं लगाएंगे, तब तक हम कोई भी चीज सीख नहीं सकते। अगर हमें किसी चीज के ऊपर सीखना है तो जरूरी होता है हमारा ऑब्जर्वेशन कैसा है, हमारी अपनी कैसी रैशनल थिंकिंग है। और अगर कुरान की इन आयतों को आप पढ़ते हैं तो इनसे जाहिर होता है कि कुरान को पढ़ते हैं तो उससे जाहिर होता है कि उसमें इन पांच चीजों के ऊपर जोर दिया गया है। अगर हम अपनी वैदिक संस्कृति को देखें तो वैदिक संस्कृति में तीन शब्द आते हैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन, यानी कि चिंतन करना। चिंतन क्या है? रैशनल थिंकिंग, जो सुना है उस पर सोचो तब अमल करो, ना कि ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ की बात नहीं कही गई है। और जैसा कि हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज पढ़ते हैं, जब आप इस एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आप सोर्सेज ऑफ नॉलेज पढ़ते हैं तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज में आप बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। साथ ही साथ एक और सोर्स होता है नॉलेज को गेन करने का, वो होता है क्या, रिवील्ड नॉलेज, टेस्टिमनी, कि हम कोई भी चीज, हर कुछ हम ऑब्जर्वेशन से नहीं सीखते, हर कुछ हम प्रैक्टिकल करके नहीं सीखते, हर कुछ हम एक्सपेरिमेंट से नहीं सीखते, कुछ बातें हम रिवील्ड से सीखते हैं, यानी कि हम लिखी हुई बातों से भी हम सीखते हैं, सुनी हुई बातों से भी हम सीखते हैं। क्लियर? सुनी हुई बातों से भी सीखते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ रिवील्ड नॉलेज। और उस रिवील्ड नॉलेज के ऊपर रैशनल थिंकिंग करना वो अलग बात है। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन में अगर हम देखेंगे कि तीन शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, देयर आर थ्री वर्ड्स जो कि हम जनरली वी यूज, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन। अक्सर हम कहते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करना, ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना। एजुकेशन यानी कि तालीम, एजुकेशन यानी कि तालीम देना, ट्रेनिंग यानी कि तरबियत, कि हम तरबियत कैसे दे रहे हैं, यानी कि हम ट्रेनिंग कैसे दे रहे हैं। और तीसरी बात है डिसिप्लिन, यानी कि हम तादीब कैसे दे रहे हैं, हम उसको अदब कैसे सिखा रहे हैं, अदब यानी कि एक्सियोलॉजी, अदब एक्सियोलॉजी का
एरिया है, ठीक। तो जब हम बात करते हैं कि तालीम, तरबियत और अदब, तादीब, उर्दू में उसको अरबिक में तादीब कहा जाता है। मैं आपको तीनों वर्ड इसलिए बता रही हूं कि आपके किसी भी तरीके से आपके सामने आ सकते हैं, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। तालीम यानी कि एजुकेशन, तरबियत यानी कि ट्रेनिंग, तादीब यानी कि अदब यानी कि डिसिप्लिन। तो खाली एजुकेशन नहीं देना, साथ साथ ट्रेनिंग भी देना है, और साथ साथ उसकी क्या करना है, उसको डिसिप्लिन में रखना है। और आज के समय में ये जरूरी है कि बच्चे को हम सिर्फ एजुकेशन ना दें, साथ साथ हम उसकी ट्रेनिंग अच्छी दें, साथ साथ हम उसको डिसिप्लिन में रहना सिखाएं, जो हमारा योगा फिलॉसफी कहता है। योगा दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो योगा दर्शन भी यही कहता है कि बच्चे की नफ्स को कंट्रोल करना यानी कि इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर हम बच्चे को सही मायने में सही इंसान बनाना चाहते हैं तो उसका उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है। और योगा इज व्हाट, योगा को क्या कहते हैं, योगा माने युज, युज माने जोड़ना, जोड़ना माने मिलाना, किसको मिलाना, पांचों इंद्रियों को मिलाना, दैट इज योगा। क्लियर? तो किस तरीके से हम अपने आप को एज ए स्टूडेंट, एज अ हम ह्यूमन बीइंग, अपने आप को कैसे हम डिसिप्लिन में रखें, दैट इज अदब, दैट इज तादीब, दैट इज डिसिप्लिन, जो कि एक्सियोलॉजी। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम सिर्फ एजुकेशन देने के साथ साथ हम साथ ही साथ बच्चों की हम ट्रेनिंग, बच्चों की डिसिप्लिन के ऊपर जोर दें, वो किसका एरिया है, एक्सियोलॉजी का एरिया है। तो इस तरीके से इस्लामिक फलसफा, इस्लामिक दर्शन, इस्लामिक फिलॉसफी किसके ऊपर जोर देती है, एक्सियोलॉजी के ऊपर जोर देती है कि ये जरूरी है कि हम बच्चों को बचपन से ही क्या सिखाएं, उनको डिसिप्लिन में रहना सिखाएं, तभी हम सही मायने में तालीम उनको दे सकते हैं। अगर सही मायने में हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी है, सही मायने में हमें उन्हें अगर एजुकेशन देनी है, तो एजुकेशन खाली कोरा कागज किताब का ज्ञान नहीं, साथ ही साथ हम उनको किस तरीके से एक बेहतर इंसान बनाते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनकी वैसी ट्रेनिंग दें, वैसे उनको डिसिप्लिन में हम रखें। ये तो मेन मेन बातें हो गई इस्लाम के फिलॉसफी की। आप सवाल अब लिखना शुरू कीजिए, हम आपके सवालों का लेंगे। अब आप सवाल लिखिए, किसी के पास अगर कोई रेलिवेंट क्वेरी है तो। देखिए, अगर आप किसी भी रिलीजन का, किसी भी रिलीजन को आप, एक रिलीजन को फॉलो करना इज समथिंग डिफरेंट, रिलीजन में भी डिफरेंट, रिलीजन सबका अलग अलग हो सकता है, बट इफ यू लुक इन टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनी रिलीजन, यू विल फाइंड देर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल देम। उनके फॉलोअर्स में गलतियां हो सकती हैं, बट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द रिलीजन आर कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं ना कि पांच धाराएं अलग अलग निकलती हैं लेकिन मिलती सागर में है, नदियां अलग हैं लेकिन उनका आखिरी रास्ता क्या है, सागर है। उसी तरीके से जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसी भी रिलीजन के, उठाकर के आप देखिए, चाहे आप बाइबल के देखिए, चाहे आप सनातन धर्म के देखिए, इसको तो हिंदू धर्म हम बोलते हैं बट बेसिकली दिस इज सनातन धर्म, सनातन धर्म के आप देखिए, चाहे आप बाइबल के देखिए, चाहे आप सिखिज्म के देखिए, आपको बेसिक प्रिंसिपल्स एक ही मिलेंगे। और बहुत सारी बातें मैं यहां पर आपको कोट नहीं कर पा रही हूं क्योंकि टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहता है, कि हम किस तरीके से जो गीता में जो बातें कही गई हैं, जो गीता की फिलॉसफी, गीता फिलॉसफी पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा कि मैंने जब इस्लाम को पढ़ा तो मुझे लगा आधी बातें तो इसमें गीता की उठाई गई। अहम ब्रह्मास्मि की जब बात करते हैं तो यहां पर अरबी में कहा जा रहा है तौहीद की बात करा जा रहा है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक सत विप्रा बहुधा वदंती। जो यहां पर अभी किसी ने एक सवाल किया था
की जो है बहुदेववादी है, सनातन धर्म में भी बहुदेववादी नहीं है। एका सत विप्रा बहुधा वदंती, सत एक है, ईश्वर एक है, और उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, नाम अलग है लेकिन सत एक है कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड किसी ने उसको नहीं देखा। ठीक, अब मैं सवाल ले रही हूं, किसका क्या आया है? ट्रेनिंग का वर्ड प्लीज। ओके सनाजिया, सना आप ट्रेनिंग कहते हैं तरबियत, जिसको कि अरबी में कहते हैं रब। ठीक है, तरबियत, और अदब को कहते हैं तादीब, तालीम, अदब एंड तरबियत। सना, गॉट इट? इस्लाम से ये क्या है, वीवीआई क्वेश्चन क्या होता है? वीवीआई क्वेश्चन क्या होता है अरविंद? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं होता है, ये छोटा छोटा मत पढ़ा करो, अगर नेट क्लियर करना है तो इतना सारा पढ़ो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसमें से अपने आप निकल आएगा। ठीक है, छोटा छोटा मत पढ़ा करो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है? सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। आप पूरा इस्लामिक फिलॉसफी पढ़िए, इस्लामिक दर्शन में स्त्रियों की शिक्षा के बारे में क्या। देखिए ऐसा है कि मेरा मानना है, मेरा अपना मानना है, ये इट्स माई बिलीफ कि कोई भी, देर वॉज नो डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये हमने किए हैं स्टार्टिंग में, किसी में भी जगह पर मेल और फीमेल के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं होते हैं। ये हमारे समाज तय करते हैं कि हमें लड़कियों को क्या कराना चाहिए और क्या नहीं कराना चाहिए। ठीक है ना, ये जो कानून और नियम होते हैं ना, ये समाज तय करता है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कों को वो नहीं करना चाहिए। ये किसी भी किताब में नहीं लिखे गए, किसी भी रिलीजियस बुक में, किसी भी होली बुक में ये नहीं लिखा गया कि लड़कियों को ये करना चाहिए और लड़कों को ये नहीं करना चाहिए। नथिंग इज दिस टाइप ऑफ डाइकोटमी इज नॉट इन द एनी रिलीजियस बुक्स, दिस आर क्रिएटेड बाय दिस द फॉलोअर्स एंड दोज हु इंटरप्रेट दीज होली बुक्स, नथिंग एल्स। जो इन किताबों को इंटरप्रेट करते हैं वो अपने हिसाब से मनगढ़ंत बना लेते हैं कि ये औरतों को करना चाहिए और ये आदमियों को करना चाहिए, नथिंग इज लाइक दैट। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? कोई है तो मैं ले लेती हूँ। आस्था में तर्क नहीं होता जबकि दर्शन तर्क की कसौटी पर खरा। यस रमेश कुमार जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आस्था में तर्क नहीं होता, बिल्कुल। और इसीलिए जब आस्था में तर्क नहीं होता तो वो ब्लाइंड फेथ में कन्वर्ट हो जाता है और वही खतरनाक हो जाता है। ठीक है ना, दर्शन फिलॉसफी और रिलीजन में यही बेसिक फर्क है कि हम फिलॉसफी में हम क्या करते हैं, वी आर सर्चिंग फॉर द नॉलेज, लेकिन रिलीजन इज अ सेट ऑफ रूल्स, हमें उनको मानना है, नहीं मानोगे तो गड़बड़। रिचुअल्स आर मेड बाय द सोसाइटीज, यस एग्जैक्टली रमेश कुमार जी, रिचुअल्स आर मेड बाय द सोसाइटीज, दीज आर नॉट रिटेन इन एनी होली बुक, नॉट एट ऑल। देखिए होली बुक्स भी क्या है, होली बुक्स आर जस्ट शोइंग अ वे ऑफ लाइफ, इज अ राइट पाथ, they are showing the right path to humankind, to mankind, and these are manipulated by the interpreter, nothing else. hum apne hisab se usko manipulate kar lete hain, but these holy books are written to show the light, to show the right path to the mankind, it's my belief. somu ji, और कोई सवाल नहीं है तो क्या मैं खत्म करूं? सो मुझे एंड करने की इजाजत है?
क्विक रिकैप ऑफ एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स. ओके ओके, एक्सियोलॉजी, अगर हम सबसे पहले हम मेटाफिजिक्स शुरुआत करते हैं, मेटाफिजिक्स से. मेटाफिजिक्स यानी कि देयर इज ओनली वन गॉड, नो बिलीफ इन रीबर्थ, बिलीफ इन द डे ऑफ रिसरेक्शन एंड द फाइनल डे ऑफ द जजमेंट, ऑल द सोल्स विल बी पनिश्ड और विल बी रिवॉर्डेड एज पर देयर एक्शंस, एज पर देयर डीड्स. एपिस्टेमोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एपिस्टेमोलॉजी में हम बात करते हैं, क्योंकि कुरान की शुरुआत हुई है इकरा. इकरा यानी कि पहला जो वर्ड है वो है इकरा. इकरा यानी कि पढ़ो. तो जब पढ़ने के ऊपर, इल्म हासिल करने के ऊपर, नॉलेज के लिए इतना जोर दिया गया है, और नॉलेज की जो बात कही गई है वो कही गई है कि देखो, सुनो, समझो, देखो, सुनो, समझो, ध्यान दो. तो यानी कि क्या, यानी कि वहां पर रैशनल थिंकिंग का स्पेस है, रैशनल थिंकिंग की बात की गई है. कुरान के मुताबिक अगर हम इस्लामिक फलसफे को देखते हैं तो वहां पर रैशनल थिंकिंग की बात की गई है, वहां पर ब्लाइंड फेथ की बात नहीं कही गई है. रैशनल थिंकिंग की बात की गई है कि जगह की परिस्थितियों के हिसाब से हमें समय के अनुसार अपने आप को रैशनल होना चाहिए. ठीक है. सोमू सर आप हैं, संजय सिंह, स्कूलों के बारे में किसी भी होली बुक में नहीं लिखा गया है ना, तो कुरान शरीफ में कैसे लिखा जा सकता है. ये तो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये तो बाद में खोले गए हुए हैं. सोमू सर मैं फिनिश कर दूं, और किसी का कोई सवाल है तो आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो फिर मैं एंड अप करूं. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन.